अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? खैरियत से हैं? लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है तकरीबन। हमारी वेबसाइट का सारा हिस्सा थोड़ा सा बाकी रह गया हमारा काम, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और अपने काम को बिल्कुल खत्म करेंगे। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का था। कल हमने काम इसमें ये बैनर लगाना सीख लिया था, लेकिन ये काम हमने गैलरी वगैरह के अंदर अभी किसी और के अंदर इसको नहीं लिखा। सब लाइन को ओपन करते हैं और सारे कुछ आज कंप्लीट कर लेते हैं वेबसाइट, क्योंकि कल से अब हमने इंशाल्लाह सीएसएस सीखना है। तो इसके लिए करते हैं तमाम इसको ओपन करते हैं अपने सब लाइन के अंदर। ये हमारा इंडेक्स ओपन हो चुका है, ठीक है। फिर ये हमारे पास गैलरी का की कोडिंग ओपन हो चुकी है, हमारे पास कॉन्टेक्ट अस की कोडिंग, ये अबाउट अस, और ये लास्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन, इसका हम ओपन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये ओपन हो चुका है। अब काम ये था कि हमने इसके अंदर काम किया था अपना बैनर के अंदर, और वो बैनर के अंदर क्या काम किया था देखते हैं। इधर से स्टार्ट हो रहा था हमारा बैनर, ये वाला टेबल बॉडी के फॉर्म का जो हमने शुरू किया था, इसे लेके यहाँ तक। ठीक है, एक तो ये था, और फिर ये गैलरी का भी सबके अंदर सेम है, और ये न्यूज़ का भी सबके अंदर सेम है काम। ठीक है, न्यूज़ के बाद जी ये मर्की टेबल से ये टेबल तक, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेव करते हैं, और फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट, ये टेबल से लेके ये टेबल तक। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हम इसको पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं, फिर आके देखते हैं वेबसाइट के। ये रिफ्रेश किया जी, सही हो गया। अब यही काम अब हम करेंगे कॉन्टेक्ट अस के अंदर, ये टेबल यहाँ से लेके आएगा हमारे इस टेबल तक, पेस्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। फिर अबाउट अस के अंदर यही हम काम करते हैं जो टेबल हमने यहाँ से बनाया, ये टेबल है, यहाँ से बॉडी के फॉर्म का शुरू होता है तो यहाँ तक इसको पेस्ट करते हैं, फिर सेव करते हैं, और ये रह गया हमारा लास्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने यहाँ तक इसको करके रिफ्रेश कर लिया। यहाँ पे आके हम रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं होम के अंदर भी ये काम है सेम, ठीक है, और गैलरी के अंदर भी ये काम ठीक है बिल्कुल। फिर ये अबाउट अस के अंदर भी काम कर लिया हमने, ये कॉन्टेक्ट अस के अंदर, और ये रजिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, सिर्फ रह हमारा ये क्या कि हमने कॉन्टेक्ट अस के बैकग्राउंड कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कह लेते हैं इसका बैकग्राउंड दे देते हैं अपने कॉन्टेक्ट अस का। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस है, यहाँ पे हमने जाके काम किया था, और को देख के जाते हैं ये रजिस्टर ये बना। ठीक है, ये टेबल है, टेबल में हम जाके देंगे बीजी कलर। अब बीजी कलर कौन सा करते हैं हम इसके अंदर, कोई सा भी लाइट सा कलर, पिंक कलर कर देते हैं, और यहाँ पे आके इसको फ्रेश करते हैं। ठीक है, ये पिंक कलर हो चुका है। इसके बाद और काफ़ी सारे हमने कलर बनाना सीखे थे, इसको ओपन कर लेते हैं अपने फाइल के अंदर। ये तो ऐसा करते हैं कि ये वाला जो ऊपर टेबल है इसका मेन टेबल है, ठीक है, इसमें भी हम कलर कर लेते हैं। वो कलर करने का क्या फ़ायदा होगा कि सबके बैकग्राउंड पे यहाँ भी और यहाँ भी कलर आ जाएगा। ऐसा करते हैं, चलो फुटर के एरिया को भी आज हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, ये वाला फुटर का एरिया है, ये इंडेक्स के अंदर आके हम फुटर के एरिया को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये फुटर का एरिया, यहाँ पे ऐसा करते हैं इसके टेबल के अंदर कलर देते हैं सबसे पहले, तो ये देंगे बीजी कलर ब्लैक। अब यहाँ पे आके हम करते हैं इसको रिफ्रेश। ठीक है, ये काम हमने किया था अपने होम के अंदर, तो होम के अंदर देखते हैं कि कलर आ चुका है इसके बैकग्राउंड पे कि नहीं आ चुका। नहीं जी, होम के अभी तक कलर नहीं आया, तो इसके लिए ये सीखे काफ़ी हम सब लोगों से मिस्टेक हुई है जो अभी तक कलर नहीं आया। अच्छा, हमें इसको अभी सेव ही नहीं किया, यहाँ पे आके हम इसको सेव करते हैं, और फिर वापस जाते हैं हमें वेबसाइट की तरफ और वापस को करते हैं। ये आ चुका है आखिर में, और फिर ये टी डी ए टी आर, यहाँ पे
हम ऐसा करते हैं कि कलर करते हैं इसको फोन का टैग, यहाँ पे हम फोन का टैग लगाते हैं और इसको कलर कर लेते हैं जी येलो कर देते हैं, ठीक है। फोन के टैग के साथ येलो कलर कर देते हैं, तो यहाँ पे अब हम लगाते हैं कोई सा भी एंड लगा दिया हमने, और लगाते हैं पावर बाय, अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं जाके अब यहाँ पे क्या चीज आई हमारे पास, ठीक है। ले जी, ये हमारे पास हमारा नेम आ चुका है, यहाँ पे पावर का नहीं आ रहा ऑप्शन, मे बी कुछ इसमें मिस्टेक हुई है हमसे। अब हम यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको करते हैं। ले जी, यहाँ पे हम ले देते हैं पावर बाय, अपना नाम रख सकते हैं इस सारे को हम ये एलिजेंट पहले सेंटर में था, ये वाला टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक हम कॉपी कर देते हैं और सबके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे फुटर का एक टैग था यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट करते हैं, फिर सेव करते हैं। इसी तरह ये वाले के अंदर कंस्ट्रक्टर्स के अंदर इसको हम सेव करते हैं, और फिर आके हम इसके अंदर इसको, ठीक है, इसमें इसको पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं। ये लास्ट था हमारे पास रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड कलर भी नहीं दिया हमने, क्या भी रजिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड भी हम देंगे, ठीक है। इसको सेव कर दिया, अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाके इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। ये हमारे फोन के ये हमारा बैकग्राउंड के इसके कलर है कि इसके कलर को भी हम कर देते हैं, ठीक है। ये वाले बैकग्राउंड के कलर को भी कर देते हैं, हमारे पास ये वाला इसके बैकग्राउंड कलर भी पीछे कलर कोई भी इसके पीछे पिक्चर लगा देते, ठीक है स्टूडेंट। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड में पिक्चर लगा देते हैं, और पिक्चर कौन से लगाएंगे जाके हम ओपन करके देख लेते हैं, थोड़ी सी भी अच्छी सी पिक्चर यहाँ से ओके लगा देते हैं, ठीक है। ये लगा देते हैं जी ABC 21, इसे कहेंगे कि इमेजेस में जाए /AG.JPG वाली पिक्चर को पुट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए पिक्चर ये हमने काम किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, तो ऐसे करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम ओपन करते हैं और देखते हैं तो पिक्चर आई नहीं स्टूडेंट, ये इसके बैकग्राउंड पे पिक्चर भी आ चुकी है और काफ़ी अच्छी लग रही है। ये इसी को हम कॉपी करके सबके आखिर में लगा, सारे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये बैकग्राउंड वाला भी हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आके ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर्स के अंदर इसी तरह जी यहाँ पे करेंगे पेस्ट, फिर गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाना यहाँ पे पेस्ट करेंगे और शेयर पे। ये काम हमने इंडेक्स के अंदर जाके कर लेना, इंडेक्स हमारा होम पेज है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं, वैसे भी होम पेज होता है, ठीक है। आप जो कोई भी नाम देखेंगे होम के अंदर आए तो भी उसके बैकग्राउंड पे हमारे पास पिक्चर मौजूद है, ठीक है। और अगर हम गैलरी के अंदर जाते हैं तो भी उसके बैकग्राउंड पे हमारे पास पिक्चर मौजूद है, फिर ये हम अबाउट अस के अंदर जाते हैं, अबाउट अस के अंदर भी हमारे पास पिक्चर मौजूद है। ये बार पिक्चर अगर हम खत्म कर दें तो ये बार भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। ये देखते हैं कॉन्टैक्ट अस के अंदर कैसा लग रहा है, कॉन्टैक्ट अस के अंदर भी ठीक लग रहा है, ये बैकग्राउंड फोटोस के अंदर हमारे पिक्चर नहीं मौजूद मौजूद है, तो हमें खत्म करना है, ठीक है। और कोई चीज़ हमारे पास जितना भी नहीं रहती मतलब भी आप खत्म कर सकते हैं, अबाउट ठीक है। ये अबाउट अस के अंदर यहाँ पे आके पिक्चर खत्म कर, इन्हें वेबसाइट बनाने के बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ों में तक
चेंजिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जो चीज़ जहाँ पे फिर जस्ट अच्छी लगी है वहाँ पे भी उसको वहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब ये वाला एच वन का टैग यहाँ पे जो है, अब देखिए ना ये वाला सेम ही लग रहा है, इसमें फॉन्ट का टैग लगा देते हैं और यहाँ पे फॉन्ट का टैग बंद कर देते हैं, उसको कलर कर देते हैं, ठीक है। रेड के नीचे रेड के बैक ब्लू कर देते हैं। आप पीछे वेबसाइट बनाएंगे ना काफ़ी सारी, इस तरह उसके बाद में आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में अभी चेंजिंग होना बाकी है, तो फिर आप अपने चेंजिंग कर सकते हैं। ये अब हमारे पास बैकग्राउंड के चैनल स्टार्ट हो चुके हैं। ये कॉन्टैक्टर्स था, ब्राउटर्स था, ठीक है। कॉन्टैक्टर्स के ब्राउटर्स होम, ये होम में भी हम लोगों ने ये पिक्चर ब्लू कलर का इसमें लगाया हुआ, ब्लू कलर का अगर हम हटा दें, ठीक है, होम में, तो वो पिक्चर हमारे पास रह जाएगी, तो काफ़ी हमें ये अच्छी और कुछ कितना जो हमने ये लगाया। यहाँ पे हमारा कलर होगा, ये हमारा पिक्चर है, पिक्चर के बाद यहाँ पे चला हमारे पास ये कलर, यहाँ पे भी यूज करते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं कि चला जाती है, अच्छी लगती है, कलर कलर रह जाएगा, ये भी अच्छी लग रही है। और उसके ऊपर सिर्फ फर्क सिर्फ ये आ गया कि ये जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के हमने यहाँ पे फॉन्ट का टैग यूज करके इसमें इसके कलर को हम सभी ये वाला टैग टैग के पी टैग के अंदर ही रहते हैं ये काम करना, तो यहाँ पे हमारा टैग ये खत्म हो जाएगा। और ब्रश करते हैं वापस आके स्टूडेंट के लिए, ये हमारी अब आज का हमारा HTML का जो कोर्स है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी कोई भी चीज़ बाकी नहीं, मैंने आपको बॉर्डर बनाना सिखा दिया, मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया, चेक पुट करनी सिखा दी। अब सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास रह गया है तो वो सिर्फ एक चीज़ रह गई है, और वो क्या चीज़ है, CSS। चलो कर सकते CSS। अल्लाह हाफिज़।